इसको समझो, प्रॉब्लम 58 को, प्रॉब्लम 58 में आपसे कह रहा है हाउ कैन द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर बी ट्रांसफर्ड टू अनदर इंसुलेटेड कंडक्टर। कह रहे हैं कि आपके पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, उसका चार्ज जो है दूसरे इंसुलेटेड कंडक्टर पर कैसे ट्रांसफर करोगे। तो उसका तरीका ये है कि देखो ऐसा समझो कि ये लेट अस सपोज कि एक कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है और ये सारा का सारा चार्ज आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, किसी दूसरे इंसुलेटेड कंडक्टर पर। तो ऐसा करने के लिए आपको उस दूसरे इंसुलेटेड कंडक्टर को इसके अंदर रख देना है। अब देखो, इसके ऊपर चार्ज है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट पोटेंशियल पर आपने इस दूसरे कंडक्टर को रख दिया। अब ये कंडक्टर जो है ये तो न्यूट्रल है, ये कंडक्टर अपने आप में न्यूट्रल है। तो होने से ये होगा कि जब ये न्यूट्रल है और इसको रखा गया है इस पर्टिकुलर वी कांस्टेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर के अंदर, तो चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। देखो इसको ऐसे समझो, व्हेन द चार्ज कंडक्टर इज प्लेस इन इंटरनल कॉन्टैक्ट विद द होलो इंसुलेटेड कंडक्टर, आपने इंटरनल कॉन्टैक्ट में रखा है होलो इंसुलेटेड कंडक्टर के, इट्स होल चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द होलो कंडक्टर, इसका सारा का सारा चार्ज जो है वो होलो कंडक्टर पर ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार फिर से, व्हेन द चार्ज कंडक्टर इज प्लेस इन द इंटरनल कॉन्टैक्ट विद द होलो इंसुलेटेड कंडक्टर, अगर आपने इंटरनल कॉन्टैक्ट में कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, इसको और अच्छे समझ सकते हैं। एक बार फिर से हमसे कह रहा, हाउ कैन द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर बी ट्रांसफर्ड टू द अनदर इंसुलेटेड कंडक्टर। तो भाई वो यही तरीका है कि आपने एक इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर दूसरे इंसुलेटेड होलो कंडक्टर रख दिया तो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। देखो, व्हेन द चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इंटरनल कॉन्टैक्ट विद द होलो इंसुलेटेड कंडक्टर, आपने ये इंटरनल कॉन्टैक्ट किया है तो जो चार्ज है वो ट्रांसफर होना शुरू कर देगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।